कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए बुधवार को कहा है कि आधे से ज्यादा लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और एक बात तय है कि चौकीदार दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। मुरैना लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी रामनिवास रावत के लिए चुनाव प्रचार करने आए राहुल ने यहाँ आम सभा को संबोधित करते हुए कहा, आधे से ज्यादा चुनाव खत्म हो गया है, एक बार तो तय है कि चौकीदार प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। अब नरेंद्र मोदी जी अब कुछ भी कहें, लोगों का भरोसा उन पर से टूट गया है। उन्होंने कहा है कि मोदी ने वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि केंद्र की भाजपा सरकार आने पर 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, विशेष से कालाधन लाकर 15 लाख रुपए से प्रत्येक व्यक्ति के खाते में डाले जाएंगे और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाएंगे, लेकिन अपने इन वादों को पूरा नहीं किया। अब इनकी बात नहीं करते हैं, इसलिए अब नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान की जनता ने घेर लिया है। वह सच्चाई से नहीं बच सकते। नोटबंदी व GST पर मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा, क्या नोटबंदी से देश में कोई फायदा हुआ है? आपको एक आदमी मिल जाए तो उसे मेरे पास ले आइए, क्योंकि मैं उसे अभी भी ढूंढ रहा हूँ। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस नोटबंदी के दौरान भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कोऑपरेटिव बैंक से अपने काले धन को सफेद कर दिया है। राहुल ने कहा, पूरे देश में चोरों ने नरेंद्र मोदी की मदद से अपना काला धन सफेद किया है। उन्होंने कहा, नोटबंदी में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई है। राहुल ने कहा, 22 लाख सरकारी नौकरियां आज खाली पड़ी हैं। केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने से इन 22 लाख नौकरियों को आपके हवाले कर देंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।